थिम्पू पहुंच चुके हैं और पूरा जर्नी शायद आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। सो ये है हम लोगों का होटल, होटल चौफल नॉर्की, बिल्कुल क्लॉक टावर के सामने ही है। होटल में चेक इन करके डिनर करेंगे। सो गाइस, दिस इज़ आवर डिनर। हम लोगों ने होटल के अंदर ही इसे ऑर्डर किया है, तो रूम में ही हम लोगों को ये मिला है। बाहर बहुत ठंड है इसीलिए। ये है मेरी थाली, ये है भूटान स्पेशल एग चिकन फ्राइड राइस, और उसके साथ ये वाला है भूटनीस का स्पेशल अचार। लेट्स टेस्ट की ये कैसा है। क्वाइट नाइस, अच्छा है। फ्राइड राइस तो अच्छा है, लेट मी टेस्ट द अचार। अचार थोड़ा तीखा और मीठा जैसा है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल आई लाइक इट। तो ये है मेरा डिनर, और अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुई, जस्ट नॉर्मल फ्रेश हुई हूँ। कपड़े वपड़े नहीं चेंज किए हैं, बिकॉज डिनर करके हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमने जाएंगे। अभी भूटान में टाइम हो रहा है 8:30, बट इंडिया में इट्स 8 PM। तो अभी डिनर करके हम लोग थोड़ा सा इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे। सामने ही है क्लॉक टावर, सो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा घूम कर आते हैं, पर भूटान में सब कुछ 9 बजे के अंदर ही बंद हो जाता है एंड इट्स 8:30। सो सिर्फ हाफ एन आवर है हम लोगों के पास घूमने के लिए, और बहुत बहुत ही ठंड है। सो या लेट्स सी कितना घूम पाते हैं। गाइस, आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर से मैं व्लॉग करूंगी। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट। ओके, सो हम लोग निकल चुके हैं और व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा रुके हैं इमिग्रेशन ऑफिस पर, क्योंकि जो पुनाखा और चलला पास हावेली इन सब के लिए परमिशन लेना है फ्रॉम थिम्पू ओनली। जो पारो और थिम्पू का परमिशन था वो हमें फुनसिलिंग में मिल गया था, मतलब जो भूटान बॉर्डर है फुनसिलिंग वहाँ पर मिला था, लेकिन जो पुनाखा और चलला पास इन सब में अगर आपको जाना है एक्सेप्ट पारो और थिम्पू, तो वहाँ का आपको परमिट लेना है फ्रॉम थिम्पू ओनली। तो उसी परमिट के लिए थोड़ा सा रुके हैं, बस परमिट ऑफिस में जाकर उसको सबमिट करना है और फिर हम लोग घूमने के लिए निकलेंगे, एंड आते वक्त हम लोग बस परमिट ले लेंगे। दैट्स इट, बहुत ही स्मॉल प्रोसीजर होता है। सो या अभी मैं क्लॉक टावर स्क्वायर में हूँ, और दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और इसके एंट्री फीस है 300 rupees फॉर अडल्ट, बट अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो आपको 150 rupees का कंसेशन मिलेगा। सो आई हैड दैट। सो दिस इज़ मेमोरियल चौटेन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइटली। यहाँ पर बहुत सारे प्रेयर व्हील्स है, तो अभी हम लोग प्रेयर व्हील्स घुमाएंगे। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सभी यहाँ पर बैठकर प्रेयर कर रहे हैं, ऑफरिंग्स दे रहे हैं, और इनके ऑफरिंग्स में सिर्फ और सिर्फ
फ्रूट्स ही नहीं होते, मिल्क पैकेट्स होते हैं, लेज, ब्रिटानिया केक, बिस्किट, कुछ भी जो हम लोग जनरली कंज्यूम करते हैं. एंड दिस इज़ द बटर लैम्प रूम. इसके अंदर बहुत सारे बटर लैम्प्स हैं जो सभी जलाते हैं, बट वी आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड इट. और सभी यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं. ब्यूटिफुल, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड सो पीसफुल. इन्होंने यहाँ पर हम लोगों को टी और बिस्किट दिया है. सो ये है नॉर्मल टी, तो दिस इज सो नाइस. लेकिन इसमें कोई शक्कर नहीं है. और ये है बटर टी. आई डोंट लाइक दिस, बट ये बहुत ही अच्छा है. कोई बैठकर प्रेयर कर रहे हैं, कोई मंदिर के चारों ओर घूम कर प्रेयर कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही शुभ माना जाता है. यू हैव टू वॉक अराउंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एवरीथिंग इज़ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और दूर जो टेंट्स हैं, तो इन टेंट्स में कुछ मीटिंग्स वगैरह चल रहे हैं. आई डोंट नो इन डिटेल, बट यहाँ पर कुछ मीटिंग्स चल रहे हैं. हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ब्लॉग्स आने बाकी है. सो टिल देन, बाय बाय.